प्रयागराज में यमुना नदी के किनारे मंकामेश्वर मंदिर स्थित है, जहां पर भगवान शिव अपने विविध रूपों में विराजमान हैं। मान्यता है कि मंकामेश्वर मंदिर पर मन से मांगी गई सभी मुराद पूरी होती है। स्कंद पुराण और प्रयाग महत्व के अनुसार अक्षेवट के पश्चिम में पिशाच मोचन मंदिर के पास यमुना के किनारे भगवान मंकामेश्वर का तीर्थ है, जिन्हें शिव का पर्याय माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जहां शिव होते हैं वहां कामेश्वरी होती है, अर्थात पार्वती का भी वास होता है, इसलिए यहां भैरव, यक्ष, किन्न आदि भी विराजमान है। कामेश्वर और कामेश्वरी का तीर्थ होने के साथ ही श्री विद्या की तांत्रिक साधना की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि यहां दर्शन, पूजन, जलाभिषेक करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। साल भर यहां पर शिव के दर्शन पूजन को श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। सावन मास में तो यहां पर भारी भीड़ उमड़ती है, जिनमें शहर के साथ दूर दराज से भी भारी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक को आते हैं। मंकामेश्वर मंदिर के परिसर में ऋण मुक्तेश्वर और सिद्धेश्वर महादेव का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। यहां हनुमान जी महाराज दक्षिणमुखी होकर विराजमान है। सावन के पवित्र माह में यहां हर दिन हजारों श्रद्धालुओं का तांता होता है। विशेषकर सोमवार, प्रदोष और भगवान शिव पार्वती की आराधना वाले विशेष दिनों पर यहां भारी भीड़ उमड़ती है। शिव के दर्शन पूजन के लिए वैसे तो यहां पर रोज शिव भक्तों की भीड़ आती है, लेकिन सावन माह में श्रद्धालुओं की संख्या में खासा बढ़ोतरी हो जाती है। सावन के सोमवार, प्रदोष और खास तिथियों व शिवरात्रि पर तो यहां तिल रखने तक की जगह नहीं मिलती है। भोर से ही शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट जाती है।